टी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत चार्ट और स्क्रीन शॉट और ऑनलाइन वीडियो के बारे में, यानी कि इसमें चार्ट को हम कैसे बनाते हैं, प्लस स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं, प्लस ऑनलाइन वीडियो हम कैसे सर्च करके देखते हैं एमएस वर्ड के पेज पे, आज की क्लास में यही सीखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको कंपेरिजन करना हो, कंपेयर करना हो, तुलना करना हो 10 लोगों के बीच में कि किस व्यक्ति का क्या नंबर है या किसने क्या सेल किया है कितने रुपए का, तो एक कंपेरिजन के बेस पे हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि क्लास में मैंने टेस्ट करवाया, और क्लास में टेस्ट करवाने पे जैसे मान के चलिए कि कुल 10 बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, उस पूरी बच्चों का नंबर फीडिंग करने के लिए हम एक चार्ट की व्यवस्था करेंगे। उसी चार्ट पे हम चाहेंगे तो सारे स्टूडेंटों का नाम फीडिंग करके और सारे लोगों का नंबर हम वहां पे फिलअप करके दिखा सकते हैं। तो कंपेरिजन करना हो जब भी आपको एक दूसरे से, तो इसके लिए जो है हम चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? जैसे मान के चलिए कि 10 इम्प्लाई है, और 10 इम्प्लाइयों ने मान के चलिए कि 10 सीटियों में गया, और किस इम्प्लाई ने कितने प्रोडक्ट को कितने रुपए में सेल किया, इसकी भी रिकॉर्ड जानने के लिए हम आसानी तरीके से एक चार्ट पे हम आसानी तरीके से उसका रिकॉर्ड जांच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? या फिर मान के चलिए कि अगर क्रिकेट हुआ या मैच हुआ या कोई आपने गेम ऐसा करवाया जिसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, उस पूरी प्लेयर का आप ये देखना चाहते हैं कि किसका रिस्पॉन्स बेहतर है, तो इसके लिए आप आसानी तरीके से चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें होगा क्या कि जैसे मान के चलिए कि क्लास में अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 10 बच्चों का मैंने टेस्ट करवाया, तो एक टेस्ट में मान के चलिए कि स्टूडेंटों ने कम नंबर लाया, किसी का हाई लेवल का होगा, सेम दूसरी बार टेस्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट वही रहेंगे लेकिन नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो चार्ट में जैसे जो वैल्यू सबसे हाईएस्ट लेवल का होगा उसका ग्रुप सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि उसका जो मतलब कॉलम बनेगा वो सबसे हाई लेवल का बनेगा, और जो जिससे वो कम होगा, जैसे मान के चलिए कि किसी का 10 नंबर है, किसी का 2 नंबर है, किसी का 4 नंबर है, किसी का 5 नंबर है, तो जो आप नंबर प्रेस करेंगे उसके हिसाब से उसकी कॉलम बनेगी, ताकि हमको आसानी तरीके से बस केवल चार्ट आप दे करके ये बता सके कि किसकी वैल्यू हाईएस्ट है, आप आसानी तरीके से पता कर सके। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें नंबर भी शो करके दिखाएगा, जैसे जैसे आप नंबर उसमें लिखेंगे वैसे वैसे उसमें इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो इसके लिए चार्ट ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएगा। जैसे चार्ट भी बनाना होगा तो मान के चलिए कि हम प्रॉपर तरीके से वही चार्ट का प्रयोग करेंगे जिसको हम खुद ही समझ सके कि हमने क्या वैल्यू दिया या किस प्रकार का चार्ट मैंने बनाया, या किसी और को भी दिखाना हो तो भी मतलब वो भी समझ सके कि आपने जो चार्ट बनाया है वो किस टाइप का चार्ट आपने बनाया है। तो देखिए इसमें इतना सारा चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन भी है, पाई भी है, बार है, एरिया है, एक्स बी स्केटर है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, कम्बो है, इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको दिया। मैंने स्मार्ट आर्ट कल पढ़ाया था ना, स्मार्ट आर्ट में उसका अलग अलग लेआउट दिया था, सेम इसी तरीके से इसका भी अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, लेकिन सबसे बेटर तरीके से अगर आपको समझ में आएगा तो वो आपका है कॉलम। वैसे मैंने सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा लेकिन सबसे बेहतर क्या रहेगा, कॉलम। अब कॉलम में जैसे देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस तरीके से अगर हम चार्ट बनाएंगे तो जो वैल्यू हाई लेवल का होगा उसका चार्ट में जो कॉलम बनेगा वो सबसे हाई लेवल का बनेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगा उसका हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस करना क्या है, आप इस चार्ट पे क्लिक करिए और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है और यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए जैसे कैटेगरी की जगह पे मान के चलिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया माउस, फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मेमोरी,
यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं प्रिंटर, फिर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सीपीयू। चार प्रोडक्ट मैंने लिया है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे हम चलते हैं सीरीज वन में। सीरीज वन को मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया सिटी में कसिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया देवरिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं सीरीज थ्री में, और इसमें मैंने दे दिया पड्रोन। समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या है कि एक्सेल पे आप चार्ट बनाएंगे और उसी का रिपोर्ट आप किस पे देखेंगे, एमएस वर्ड के पेज पे देखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 4.3 लिखा हुआ है, जैसे कसिया में केवल माउस बेचा गया 10,000 रुपये। कितने रुपए का? 10,000 रुपये। देखिए चेंज हो रहा है, इसके पहले चेंज हुआ था। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं मेमोरी, और कसिया में मेमोरी बेचा गया मात्र 200 रुपये, और कसिया में प्रिंटर बेचा गया मात्र 5,000 रुपये का, और सीपीयू बेचा गया 6,000 रुपये। अब देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि केवल आप इसको देख करके बताइए कि कसिया सिटी में सबसे ज्यादा क्या सेल किया गया, क्या सेल किया गया? माउस। क्यों? क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, इसमें नंबर भी बताया है, जैसे ये ग्राफ के रूप में आपको पढ़ाया गया होगा, ये मैथमेटिकल्स में पढ़ाया जाता था, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ग्राफ के रूप में, जैसे ये अगर हाइट और ऊपर जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, या ये और हाइट ऊपर जाए तो इसके लिए वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये भी वैल्यू, ये भी आपका हाइट हो जाएगा दी। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, केवल कसिया सिटी का एक कलर लिया, कलर तो कोई चेंज नहीं किया है, केवल कसिया सिटी का एक कलर लिया है। अब चलिए, अब हम चलते हैं देवरिया सिटी में। अब देवरिया में माउस सेल किया गया मात्र और मात्र 6,500 रुपये। मान के चलिए कि किसी सिटी में कम सेल हुआ हो, किसी सिटी में ज्यादा सेल हुआ हो, तो उसके हिसाब से नंबर देना पड़ेगा ना। अब चलिए, और मेमोरी सेल हुआ है कसिया सिटी में, ये मैंने आपको दिखा दिया 14,000 रुपये, और यहाँ पे प्रिंटर सेल हुआ है मात्र और मात्र 3,000 रुपये, और सीपीयू सेल हुआ है मात्र और मात्र 3,200 रुपये का। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप केवल चार्ट को देख करके बताइए कि देवरिया में किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल किया गया, तो मेमोरी का, क्योंकि मेमोरी वाला लेवल सबसे ऊपर गया हुआ है। इसके पहले क्या लेवल ऊपर था? कसिया का था ना, कसिया का माउस, लेकिन देवरिया में सबसे ज्यादा सेल क्या किया गया है? मेमोरी सेल किया गया। अब हम चलते हैं पडरोना सिटी में, और पडरोना में मान के चलिए माउस की जो सेल हुई है वो मात्र 12,000 रुपये की सेल हुई है। कितने रुपए की? 12,000 रुपये की। अब देखिए, अब आते हैं सबसे पहले मेमोरी, और मेमोरी जो सेल हुआ है वो मात्र और मात्र 9,000 रुपये का सेल हुआ, किस सिटी में? पडरोना सिटी में। और फिर प्रिंटर का जो सेलिंग हुआ है वो है 13,000 रुपये, और इसके बाद से जो सीपीयू का जो सेल हुआ है वो मात्र 2,000 रुपये। अब आप देख करके बताइए, कोरोना में हाईएस्ट लेवल की सेलिंग क्या किया गया है? प्रिंटर, जो कितने रुपए का आया है? 13,000 रुपए का। इसलिए जो प्रिंटर की वैल्यू है किस सिटी में? पडरोना में, वो सबसे हाई लेवल का आपको दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, तीनों प्रिंटरों में अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो तीनों सिटियों में अगर प्रिंटर की कंपेरिजन करेंगे तो सबसे हाईएस्ट लेवल बेचा गया किस सिटी में? पडरोना में। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, तो अगर आप एक बार, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे चार्ट ना भी दिखे तो भी आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि किसका सेलिंग सबसे ज्यादा लेवल का है। अब चलते हैं सबसे पहले, जैसे यहाँ से, जैसे मान के चलिए कि देवरिया सिटी में देवरिया यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देवरिया सिटी में मात्र 3,000 प्रिंटर का सेटिंग दिखाया गया है ना, सेलिंग यहां से मैंने कर दिया 15,000। अब देखिए चेंज हो रहा है, यानी कि सबसे हाईएस्ट सेलिंग अगर आप बताएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट सेलिंग देवरिया सिटी में और प्रिंटर का हुआ है
जो 15,000 के ऊपर या 15,000 के बराबर। अब देखिए, जैसे ये नंबर तो मैंने लिखा नहीं था, लेकिन ये जो रेशियो आप देख पा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ये ग्राफ अपना बना लेता है कि किसके किसके बीच में नंबर रखना। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए ये वाला ग्राफ आसानी तरीके से हम देख करके बता सकते हैं कि किसकी क्या वैल्यू। तो इसके लिए हम इस चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ इसके बारे में बताते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखिए, और भी सिटी अगर आपको ऐड करना है तो बस कुछ नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करिए, और भी सिटी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड हो रहा है ना, तो ये एक्सेल का चार्ट है, आप जितना डेटा तैयार करेंगे उतना डेटा यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है ना? अब देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, इसके बारे में हम समझाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इसमें और भी ऑप्शन दिया है। देखिए जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने एक डिजाइन मेनू मिल जाता है और एक आपका फॉर्मेट मेनू मिल जाता है। अब सबसे पहले आप डिजाइन के बारे में समझिए। जैसे अगर डिजाइन दिया है तो सिंपल सी बात है, इस टेबल का, इस चार्ट का हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए एड चार्ट टाइप एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया होगा। अब इसमें एक एक ऑप्शन के बारे में समझिए। जैसे पहला ऑप्शन दिया है एक्सेस, आप इसको चाहेंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए कुछ चेंजिंग हो रहा होगा जरूर। इसमें नीचे वाले पे प्राइमरी वर्टिकल करें तो देखिए इसमें आपका जो नंबर है वो नहीं दिखा रहा। केवल आपको कैसे पता करना है, जो हाइट है उसके हिसाब से आपको पता करना कि हाईएस्ट सेल, मतलब हाईएस्ट सेल अमाउंट क्या है। अगर वही आप हॉरिजेंटल लेते हैं तो इसमें इस तरीके से आपको डेटा बताएगा। देखिए इसमें अमाउंट भी बता रहा है, प्लस इसमें आपको चार्ट भी दिखा रहा है। अगर आप एक्सेस टाइटल पे आते हैं तो आप इसकी टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एक्सेस टाइटल यहाँ पे लिख क्या रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्सेस टाइटल, आप इसको हटाएंगे तो ये हट भी जाएगा। देखिए एक्सेस टाइटल इस साइड में आ रहा है, ध्यान से देखिए वर्टिकल में आ रहा है, और इसको हॉरिजेंटल में लेके आना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल में भी लेके आ सकते हो। और अच्छा, जो चार्ट का टाइटल दिया हुआ है, जो चार्ट टाइटल लिखा हुआ है ना, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके इसका मैंने नाम दे दिया क्या, सेल्स रिपोर्ट 2023। ठीक है? और देखिए ये चार्ट का एक प्रकार का टाइटल है, और टाइटल में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि जब हम टाइटल क्रिएट करते हैं तो उसमें इस तरीके से हमको रिपोर्ट जरूर बनाना होता है। नहीं तो मान के चलिए कि इसको कैसे पता चलेगा कि किस साल का आपने ये डेटा तैयार किया। तो इसके लिए, इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, इसमें सबसे पहले कुछ आपको टाइटल भी देना होता है। अब यहाँ से आप चार्ट की टाइटल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चार्ट टाइटल पे आ जाइए, और चाहेंगे तो आप इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। देखिए नन करेंगे तो हट जाएगा, एबव करेंगे तो ऊपर दिखाएगा, और सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा इसको और हम सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। देखिए दिखा रहा है इस तरीके से चार्ट, अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगा, और आप चाहेंगे तो इसको चार्ट को दिखा भी सकते हैं। डाटा लेबल भी दिया हुआ है, देखिए जैसे जो डाटा का लेबल यहाँ पे तैयार हुआ है, आप चाहेंगे तो डाटा का लेबल आप सेंटर में भी दिखा सकते हैं। देखिए इसको हम लेबल बोल सकते हैं, यही तो लेबल है जो दिखाने का काम कर रहा है रिपोर्ट। तो देखिए इस लेबल को आप चाहेंगे तो अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं, चाहे जैसे भी अगर आपको सेट करना है, इसके लिए एड चार्ट एलिमेंट पे आ जाइए और यहाँ से डाटा टेबल पे आ जाइए। आप चाहेंगे तो यहाँ से इसकी स्थान को चेंज कर सकते हैं। देखिए इनसाइड इंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, इनसाइड बेस करेंगे तो ऐसे दिखाएगा आपको। देखिए बेसमेंट में दिखा रहा है नंबर आपको, और आउटसाइड इंड करेंगे तो आउटसाइड में दिखाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, इस तरीके से भी पहचानने का काम हम कर सकते हैं। जिसको फिगर देख करके नहीं पता चलता है, वो ये चाहता है कि अमाउंट भी हमको दिखाए, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को दिखा सकते हैं। देखिए सबके ऊपर यहाँ पे बता दिया है कि किसकी सेलिंग क्या, मतलब इसमें ऑलरेडी आपने जो बनाया है उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई चेंजिंग करके देख सकते हैं इसमें, इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए कैसे दिखा रहा है कैल आउट वाला। इसमें देखिए नन करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन विथ लिगेंड की करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाएगा।
इसमें नंबर भी दिखा रहा है, देखिए इसमें नीचे भी कुछ टेबल बन गया दिख रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ से नो लिगेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाएगा। मतलब इसमें थोड़ा बहुत जरूर चेंजिंग होगा, इसके मतलब इसकी डिजाइनिंग में जरूर परिवर्तन आएगा। ईरर बार है यहाँ पे, देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से इंटरफेस करके आपको दिखाएगा, परसेंटेज में देखना हो, स्टैंडर्ड में देखना हो, यहाँ से पूरी ऑप्शन का पेजल आप करके देख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि चार्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद उसकी अलग अलग डिजाइनिंग भी तो करना होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई कहते कि इस तरीके से हमको अच्छा नहीं लग रहा, इसमें अमाउंट आप करके दिखाइए, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इस तरीके से करके उसको दिखा सकते हैं। मतलब चार्ट तो आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन समझने वाले व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको इंटरफेस चेंज करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो इसके लिए सारे आसन का बारी बारी से दिया हुआ है, तो ये आसन का प्रैक्टिकल करके हम बता सकते हैं। नन करेंगे तो ये पहले के अवस्था में हो जाएगा जिस तरीके से पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा। ग्रेड लाइंस दिया है, ग्रेड लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया ही है, इसके बीच में लाइनिंग आ जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए चेंज हो रहा है। देखिए प्राइमरी मेजर हॉरिजेंटल में रखेंगे तो लाइनिंग नहीं दिखाएगा, यहाँ पे लेके आएंगे तो वर्टिकल लाइन दिखाएगा, यहाँ पे लेके आएंगे तो हॉरिजेंटल लाइन दिखाएगा, और यहाँ पे माइनर में दिखाएगा भी, ये तीनों चेंज करके दिखाएगा। लिगेंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कुछ इस तरीके से आप चाहते हैं कि जो सिटी लिखा हुआ है टॉप में दिखे, तो यहाँ से आप टॉप पे ले सकते हैं, तो टॉप में दिखाएगा सिटी वाला नाम, देखिए दिख रहा है यहाँ पे। मतलब आप यहाँ से अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रेड लाइन्स भी दिया हुआ है, इसका बहुत ज्यादा कुछ वर्क नहीं होता है, ठीक है, मेनली यही सब है। अब ये दोनों जो ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, मान के चलिए कि टेबल में और भी तो ऑप्शन दिया है, या सॉरी चार्ट में और भी तो ऑप्शन दिया हुआ है ना, जैसे मान के चलिए कि जो है पाई टाइप का चार्ट आपको दिया हुआ है, लिगेंट टाइप का है, ऐसे बहुत सारा टाइप दिया हुआ है, इसकी लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट पे आ जाइए। अब एक तो नॉर्मल हमारा चार्ट दिख रहा है ना, इसकी लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है। देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी कलर को यहाँ से बदल भी सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से दूसरा कलर ले सकते हैं। जैसे देखिए इस चार्ट में आपको कलर का बहुत बड़ा इफेक्ट है, अगर कलर नहीं समझ में आया तो चार्ट भी नहीं समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कलर पे क्या टिका हुआ है, कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, सीटी इंडिकेट कर रहा है, कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, सीटी इंडिकेट कर रहा है, और सारे सीटियों का अलग अलग कलर भी यहाँ पे लिया गया है। जैसे आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप लैब में जाएंगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये वाला कलर दिया हुआ है ना, इसका लिया हुआ है कश्यप, और जो येल्लो वाला कलर है इसका दिया हुआ है देवरिया, और जो ग्रीन वाला है इसका दिया हुआ है पटरौना। तीन कलर हैं और तीन ही सीटी, और वही अगर चार सीटी लेंगे तो कलर का संख्या कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, इसलिए तीन ही सीटी काफी है। तीन ही सीटी में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, अगर आप 10 सीटी रखेंगे तो खुद ही समझ नहीं पाएंगे, उसी में घूमते रह जाएंगे, इसलिए तीन सीटी लीजिए, और प्रोडक्ट बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटी मात्र तीन लीजिए। वैसे अगर सेलिंग ज्यादा सीटियों में हुआ है तो क्या ऐसा भी कॉम्बिनेशन है कि मात्र तीन ही सीटी लगाएंगे, ज्यादा सीटी लगाएंगे, लेकिन उसमें क्या कंपेरिजन करना होगा कि उसमें आपको चार्ट की टाइटल को चेंज करना होगा, ताकि आप वही टाइटल लीजिए जो आपको समझ में आ सके। अब चलिए इसकी स्टाइल को भी बदलना है, अभी तो मैंने आपको बताया एड चार्ट टाइटल के बारे में, एलिमेंट के बारे में, और लेआउट के बारे में, और कलर के बारे में। अब चलिए इसकी स्टाइल भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी स्टाइल को भी बदल सकते हैं। देखिए सारा ये स्टाइल बना बनाया मिल जाएगा आपको, देखिए अब जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्विच रो और कॉलम, इनेबल दिख रहा है, नहीं इनेबल दिख रहा है, क्या रीजन हो सकता है, क्या इन्हें मतलब इसमें रीजन क्या हो सकता है। अरे मैंने चार्ट इंसर्ट करूंगा तभी तो रो वाले डेटा को कॉलम में भेजेंगे और कॉलम वाले डेटा को रो में भेजेंगे, क्यों, तभी तो इनेबल होगा। तो इसके लिए क्या करना है,
सेलेक्ट डेटा आ गया चार्ट हमारा। अभी देखिए, अब आपको करना क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे सिटी दिखा रहा है ना, अभी यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रोडक्ट, क्या दिखाएगा, बस स्विच रो और कॉलम का प्रयोग करिए। चेंज हो रहा है तो अपनी रो वाले डेटा को कॉलम में भेज सकते हैं और कॉलम वाले डेटा को रो में भी भेज सकते हैं, ये इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब सेलेक्ट डेटा का मतलब, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू आपने जो सेल्स रिपोर्ट 2023 का बनाया है उसका थोड़ा दिखा दीजिए, तो प्रोफार्मा आपने कहाँ तैयार किया, हो सके तो आपने फर्जी भी तो बना लिया हो, तो कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट डेटा पे आप क्लिक करिए। जितना भी आपने डेटा बनाया है आप इस डेटा को सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास यही रिकॉर्ड मौजूद है, इसी के बेस पे मैंने क्या किया है, चार्ट अपना तैयार किया। तब वो कहेगा नहीं, ये चार्ट गलत है, इसमें से जो है ये जो आपने 13,000 लिखा हुआ है 13,000 नहीं है, कम है, आपने गलती बनाया है। समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, तो एडिट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे से ये डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसके लिए सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये है एडिट डाटा। जैसे मान के चलिए कि आपने डेटा खूब अच्छे से बना दिया, आप उस डेटा में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं। एडिट का मतलब जैसे 2023 में जो आपने सेल किया है आपने गलती से हाटा का रिकॉर्ड बना दिया है या पडरोना का रिकॉर्ड बना दिया है, आप उसमें एडिटिंग करना चाहेंगे ना, तो एडिट करने के लिए, या फिर मान के चलिए कि एक रिपोर्ट आपने तैयार किया और उसी के आधार पर 2024 का भी रिपोर्ट आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप नया ना बना करके उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए एडिट डाटा पे आप क्लिक करिए और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट डाटा, इस पे क्लिक कर लीजिए, वही चार्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगा और आप यहाँ से डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माउस आपने लिखा है, यहाँ पे मेमोरी आपने लिखा है, फिर प्रिंटर आपने लिखा है, फिर सीपीयू आपने लिखा है, मान के चलिए कि किसी प्रोडक्ट को आपको बदलना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ना। चलिए इसमें सीपीयू लिखा हुआ, सीपीयू को हटा करके मैंने यहाँ पे भर दिया मॉनिटर। अब इसमें चेंजिंग दिख रहा है, इसमें चेंजिंग दिख रहा है कहीं, अभी नहीं दिख रहा है, अब देखिएगा, अब चेंजिंग दिख रहा है। तो ये हमारा होता है डेटा को एडिट करना, और इसमें देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा था, इसमें दे रहा है एडिट डाटा और एडिट डाटा इन एक्सेल 2013। अगर आप एक्सेल की सीट से इसको एडिट करना चाहते हैं तो क्लिक करिए, नहीं तो केवल डाटा में एडिटिंग करना चाहते हैं तो डाटा पे एडिट कर दीजिए। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रेश डाटा, और ये हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जितने बार आप डेटा में चेंजिंग करेंगे वो खुद रिफ्रेश होता जाता है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसकी उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज चार्ट टाइप, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसकी टाइप को आपको चेंज करना है तो इस पे क्लिक करिए, देखिए पुनः उसी पहले वाली सीट पे लेके आ गए। अब देखिए वो कहेगा कि हमको कॉलम में नहीं समझ में आता, जैसे मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने गए और वहां आपने इस तरीके से प्रोफार्मा आपने सेट करके दिखाया अपने मालिक को, वो कहा कि हमको कॉलम नहीं समझ में आता, हमको पाई में डेटा दिखाइए, तो सेम डेटा आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, आप इस तरीके से ओके करिए। समझ में आ रहा है, अब ये आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन जो देखेगा डेटा हो सके उसको समझ में आ जाए, इसलिए आप उसको चेंजिंग करके दिखा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे चार्ट टाइप पे चले जाइए, डाटा वही है लेकिन इसको मैंने टाइप को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। अगर वही आप एरिया में लेते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इसलिए सबसे बेहतर है आपके लिए क्या कॉलम वाला ऑप्शन, वो सबसे ईजी है, उसके माध्यम से खुद भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे किसी और को भी सेटिस्फाइड कर दें, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप चेंज करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में आप चाहेंगे तो उसी स्थान पे चले जाएंगे। देखिए ये किस रूप में दिखा रहा है, स्केटर के रूप में दिखा रहा है, फिर आप इस पे क्लिक करिए और यहां से देखिए स्टॉक के रूप में देखना हो तो कुछ इस तरीके से, सब अलग अलग ऑप्शन दिया है, सरफेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा डेटा आपका,
देखिए समझने वाले आदमी इस चार्ट को समझ पाएंगे, लेकिन हमारे बस की आपकी बस की बात नहीं कि आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आपके लिए बस एक ही ऑप्शन है, वो है क्या, कॉलम। बस कॉलम पे आप कोई डेटा बनाइए और आप आसानी तरीके से उसको समझ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिएगा, देखने के बाद अगर अच्छा नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि डेटा अच्छा नहीं लग रहा तो डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे आकर के सबसे पहले कॉलम पे क्लिक करिएगा, जैसा आपका डेटा था उसी तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब चलते हैं हम फॉर्मेट टैब पे, तो फॉर्मेट में लगभग लगभग मैंने पूरा पढ़ाई दिया। इसमें कुछ ऑप्शन है जिसको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट सिलेक्शन, ये तो सिलेक्शन बना बनाया था ना, तो आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन आपको अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी कलर करना, इसके लिए फॉर्मेट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया, ये मैंने पूरा पढ़ाया। याद आया, पढ़ाया मैंने, बस वही है क्या चीज, ये हो जाएगा ना। जैसे इसकी देखिए कलरफुल आप बनाना चाहते हैं, जैसे दो तीन कलर में बनाना चाहते हैं, जैसे चलिए हम इसको जो है तीन कलर में बनाना चाहते हैं, पर इसमें ज्यादा एडिटिंग कर देंगे तो ये चार्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा तो इस पे क्लिक कर दीजिए। रिसेट का भी ऑप्शन दिया, खूब ज्यादा फॉर्मेटिंग करिएगा यहाँ से आकर के, खूब अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लीजिए, और एक बार में नहीं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रिसेट कर दीजिए, ऑप्शन दिया है ना। तो ये देखिए इसमें सारा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत उसी को होगा जो अब्सेंट किया होगा, दिक्कत उसी को होगा जो प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, और उसको भी दिक्कत होगा जो मन से प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, ठीक है। सबसे बड़ा तो दिक्कत उसी को होगा, इसलिए देखिए। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताएं, हो जाएगा ना प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, यहाँ पे अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए इंसर्ट में अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट, इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको। देखिए जैसे आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो ये नहीं कि ये पेज पे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, इसकी बैकग्राउंड में जो आपका स्क्रीन मिलेगा उसी की स्क्रीनशॉट करेगा, नहीं समझे, मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया, ये मिला इसी की स्क्रीनशॉट हो जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे आप इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करिएगा, तो देखिए इसकी बैकग्राउंड में इसकी स्क्रीनशॉट नहीं होगा, इसकी बैकग्राउंड में क्या है, ये जूम लिखा हुआ है ना, यही स्क्रीनशॉट होगा। बस करना क्या है, आप सबसे पहले चले आइए यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ स्क्रीन क्लिपिंग, हो गया स्क्रीनशॉट, अभी नहीं हुआ है, अब स्क्रीनशॉट होने जा रहा है। अब ये स्क्रीनशॉट होकर के कहाँ पे आएगा, तो एमएस वर्ड के ही पेज पे आएगा, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट देखिए, जैसे स्क्रीनशॉट इसमें इसका ये प्रयोग होता है, इसकी जस्ट पहले जो इमेज आपको दिखेगा उसी की स्क्रीनशॉट होगा, और वही स्क्रीनशॉट होगा और एमएस वर्ड के पेज पे तत्काल में इंसर्ट भी हो जाएगा। इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आइए और स्क्रीनशॉट पे आइए और स्क्रीन क्लिपिंग पे आ जाइए। स्क्रीनशॉट जब लेना होता है तो ऐसे कलर थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है ना, अरे मैंने आपको स्निपिंग टूल के बारे में पढ़ाया, इसी तरीके से प्लस का सिंबल आता था, बस यहां से लेकर के यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको आपको एमएस वर्ड की पेज पे इंसर्ट नहीं कराना है, ऑटोमेटिक ये दौड़े दौड़े चला जाएगा उसी पेज, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टैब में, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो के बारे में पता ही है, यूट्यूब ओपन करते हैं ना, बस वही यूट्यूब आप यहाँ पे चलाएंगे एमएस वर्ड के पेज पे, कैसे ऑनलाइन वीडियो पे चले जाइए, लेकिन इसके लिए आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वीडियो पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से, और जैसे ही ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यूट्यूब मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लीजिए जीआईटी एजुकेशन पढ़ रोना,
बस इसको इंसर्ट कराइए, वीडियो आ गया ना, चलाना भी है। वीडियो आवाज भी सुनना है। अच्छा है, बात नहीं। आवाज नहीं आ रहा है। हुआ क्यों इतना दांत दिखा रहे हो, क्या मिल गया? ये जैसे एक छोटा सा वीडियो बना था अपने इंस्टीट्यूट का, वही वीडियो यहाँ पे दिखा रहा है पूरा। इसमें सारे सब लोगों का फोटो आएगा, देखिए मेरा भी फोटो। तो एक तरीके से मतलब प्रचार के लिए बनाया गया था, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो तैयार किया गया था। अरे आवाज है, पता नहीं कहाँ से बंद है आवाज, पता नहीं चल इसके, रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। अरे फोटो आएगा, चलो यार आप अप्लाई में सर्च करके देखना, बस बहुत सारा है इसमें, मेरा भी फोटो आएगा। क्या चीज हो जाएगा ना, बस इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए। इसमें कोई सा भी वीडियो आप आसानी तरीके से चला सकते हैं, बस शर्त है आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, जबकि ये 2007 में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, केवल 2007। हाँ क्या, नीचे वाला, ये वाला? अरे नहीं, मेन यही है आपका, ये कुछ कोड वगैरह मांग रहा है, कह रहा है पेस्ट इम्बेडेड कोड हियर।